हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज के क्लास में हमें पढ़ना है मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में। आज हम जानेंगे कि मुद्रा क्या है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि मुद्रा हम किसे कहते हैं या मुद्रा क्या है। तो मुद्रा आज भी है और मुद्रा प्राचीन समय में भी थी। मुद्रा किसे कहते हैं? तो भुगतान के रूप में, भुगतान के माध्यम के रूप में, भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की गई कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। फिर से एक बार, भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की गई कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। जैसे हम किसी से सब्जी लेते हैं और सब्जी के बदले उसे हम गेहूं या चावल देते हैं और अगला व्यक्ति गेहूं या चावल को स्वीकार कर लेता है, तो मेरा गेहूं या जो चावल क्या है? मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। यानी कि हम किसी भी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के बदले में दे सकते हैं या आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि वस्तु स्वीकृत हो गई तो वस्तु क्या है? मुद्रा है। मुद्रा का मतलब ये नहीं कि करेंसी नोट या सिक्का ही मुद्रा है। नहीं, करेंसी नोट सिक्के के अलावा और जो भी वस्तुएं हैं, जिस वस्तुओं के बदले हम अन्य वस्तु को ले सकते हैं और उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी वस्तु वो क्या कही जाती है? मुद्रा कही जाती है। अब हम जानेंगे कि मुद्रा मुद्रा कई प्रकार के होते हैं। इस मुद्रा में आपका जो पहला दिया गया है इसे हम लोग कहते हैं वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा क्या है? वैधानिक मुद्रा क्या है? तो वह मुद्रा जिसे आरबीआई द्वारा निर्गत किया जाता है, वह मुद्रा जिसे आरबीआई द्वारा निर्गत किया जाता है, उस मुद्रा को हम लोग वैधानिक मुद्रा कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद दिया गया है शाखा मुद्रा। शाखा मुद्रा किसे कहते हैं? तो बैंक द्वारा जारी किया गया चेक या बैंक ड्रॉफ्ट। बैंक द्वारा जारी किया गया चेक या बैंक ड्रॉफ्ट शाखा मुद्रा कहलाता है। तीसरे नंबर में आपका दिया गया है नजदीकी मुद्रा। नजदीकी मुद्रा किसे कहते हैं? तो वैसी मुद्रा जिस मुद्रा को हम लोग आने वाले समय में या भविष्य में आसानी से परिवर्तित कर सके, उस प्रकार के मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? नजदीकी मुद्रा कहते हैं। भविष्य में शीघ्रता से मुद्रा के रूप में जिसे हम बदल सकें, उस मुद्रा को हम लोग क्या कहेंगे? नजदीकी मुद्रा कहेंगे। जैसे कुछ दिन पहले ही जो पुराने नोट थे हमारे 1,000 के और 500 के, उसे बंद कर दिए गए और बंद करने के बाद तुरंत उसके बाद 2,000 और 500 के नोट आ गए। तो ये 2,000 और 500 के नोट क्या हैं? हमारे नजदीकी मुद्रा थे। क्या थी हमारी? वो नजदीकी मुद्रा थी। आगे चलते हैं हम बैंक मुद्रा। तो बैंक मुद्रा इसका भी प्राय बैंक डिपॉजिट से होता है। बैंक डिपॉजिट, आप नाम सुने होंगे बैंक में कि बैंक डिपॉजिट। तो बैंक डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब हम अपने पैसे को बैंक में ले जा करके फिक्स कर देते हैं, तो उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक डिपॉजिट कहते हैं। बैंक में जाकर उसे क्या कर दिया? बैंक डिपॉजिट कर दिया। यानी पैसे को हमने क्या किया? फिक्स कर दिया। क्लियर? अब चलते हैं साधारण मुद्रा। क्या जी? साधारण मुद्रा। साधारण मुद्रा को हम लोग विश्वास पर आधारित मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वास पर आधारित मुद्रा कहते हैं। यह जो मेरी विश्वास पर आधारित मुद्रा है या साधारण मुद्रा है, यह मुद्रा निर्गत किए जाने वाले संस्था के विश्वास पर निर्भर करती है। साधारण मुद्रा या विश्वास पर आधारित मुद्रा। तो हम जानेंगे साधारण मुद्रा क्या है। तो साधारण मुद्रा वह मुद्रा जो जन साधारण के पास, जो आम आदमी के पास जो मुद्रा है, उस मुद्रा को हम लोग साधारण मुद्रा कहते हैं। और यह साधारण मुद्रा निर्गत की जाने वाली संस्था के ऊपर क्या होता है? डिपेंड करता है, निर्भर करता है। फिर से एक बार, साधारण मुद्रा वह मुद्रा जो मुद्रा आम आदमी के पास रहती है, उस मुद्रा को हम लोग जन साधारण मुद्रा कहते हैं। और यह मुद्रा विश्वास पर आधारित मुद्रा होती है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एक और चीज कि जितने भी हमारे नोट हैं, जितने भी हमारे पैसे हैं, इन सभी पैसों की स्वीकृति कौन देता है? तो आरबीआई देता है।
साथ में जो सिक्का है, सिक्का को हम लोग सांकेतिक मुद्रा की श्रेणी में रखते हैं। सिक्के को हम लोग सांकेतिक मुद्रा की श्रेणी में रखते हैं। इसका बाद दिया गया है भारत में 3 सिक्योरिटी प्रेस, यानी कि भारत में कितने सिक्योरिटी प्रेस हैं, तो भारत में हमारे 3 सिक्योरिटी प्रेस हैं। एक सेक्रेटरी जो प्रेस है उसे हम लोग कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी प्रेस। ये कहाँ पर है, तो यह आपका है नासिक में। उसके बाद दिया गया है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये कहाँ पर है, तो यह आपका हैदराबाद में है। उसके बाद दिया गया है करेंसी पेपर मिल, तो करेंसी पेपर मिल कहाँ में, कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में, यानी कि जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इस टॉपिक में दिया गया है नोट प्रेस। तो जो नोट प्रेस है, यह नोट प्रेस कहाँ पर है, तो नोट प्रेस जो हमारा करेंसी जो नोट प्रेस है, यह हमारा कहाँ पर है, तो नासिक में है। इसके बाद चलते हैं बैंक नोट प्रेस, तो जो हमारे बैंक नोट प्रेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो 3 जगह है पूरे इंडिया में। एक देवास है, यानी कि जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा पश्चिम बंगाल में, और तीसरा कर्नाटक में। यानी कि बैंक नोट प्रेस 3 जगह पर है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये से जितने भी बड़े नोट हैं, जैसे कि 100 का नोट, 50 का नोट, इन सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। क्लियर। पहले के यानी कि 2010 से पहले जितने भी हमारे नोट आते थे, उन नोटों पर कोई सांकेतिक रूप नहीं था, वहां पर हम लोग रुपया लिखते थे। मगर 2010 के बाद रुपया के ऊपर सांकेतिक रुपया ना लिख करके वहां पर अक्षरों में कैसे सांकेतिक रूप में रुपया लिखा जाता था, जिसे डी डिजाइन किसने किया है, तो जिसे डिजाइन किया है डी उदय कुमार ने। और इस स्वीकार कब किया गया, तो 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया। यानी कि भारत में जितने भी आपके नोट हैं, उन सभी नोटों पर जो जो आपका रुपया लिखा जाता है, उसके स्थान पर यह डिजाइन किया गया, यह रुपया लिखा जाने लगा। कब से, तो 2010 में जुलाई के बाद लिखा जाने लगा। तो जितने भी हमारे नोट अभी आ रहे हैं फिलहाल, उन सभी नोटों पर यह जो सिंबल है वो रुपया के बगल में दिया जा रहा है, जिसे स्वीकार कब किया गया, तो 15 जुलाई 2010 को। और डिजाइन किसने किया था, तो डी उदय कुमार ने। अब हम चलते हैं कि भारत में कितनी जगह पर सिक्के ढाले जाते हैं, तो भारत में 4 जगह पर सिक्के ढाले जाते हैं, कोलकाता में, मुंबई में, हैदराबाद और नोएडा में। इसे हम शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, तो शॉर्ट में याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं। कल मुहे नोएडा में सिक्का ढाल, तो कल कल का मतलब हो गया कलकत्ता। कलकत्ता में जो सिक्का ढाला जाता है, यह सबसे पुराना सिक्का ढालने का कारखाना है जो ढकसाल में है। क्लियर। उसके बाद मुंह, मुंह का मतलब हो गया मुंबई। तो पहला जो कलकत्ता का जो पहला जो कारखाना है सिक्का ढालने का, वह कलकत्ता में है। दूसरा जो है वह मुंबई में है। जो हमारा तीसरा जो है वह हैदराबाद में है। और जो मेरा चौथा है वह कहाँ, अभी के समय में जो सिक्के ढाले जा रहे हैं, वो सभी के सभी सिक्के हमारे स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। अभी के समय में जितने भी हमारे सिक्के ढाले जा रहे हैं, ये सभी के सभी सिक्के हमारे स्टेनलेस स्टील के हैं। और ये सभी के सभी सिक्के कहाँ ढाले जा रहे हैं, तो नोएडा में ढाले जा रहे हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए जो समिति का गठन किया गया है, उस समिति को हम लोग M. नरसिंहम समिति के नाम से जानते हैं।